खोल लगा तनी समाचार बटुए ब्रह्मपुर से रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी खबर के हेडलाइन सुनी। सेना के जवान के पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से यानी कि हवाई यात्रा से पहुंचल गांव, भारत माता के जयकारा से गूंज उठल सेना के जवान के गांव। खबर का बटुए विस्तार से जानी। ब्रह्मपुर प्रखंड के गाई घाट गांव के निवासी शहीद चंदन कुमार सिंह के सौ मंगर के दिने ब्रह्मपुर पहुंचल। बता दी कि भारतीय सेना के 55 इन्फेंट्री मैकेनिकल ब्रिगेड सिग्नल कंपनी ब्यास अमृतसर में कार्यरत रहन। विगत 2 अप्रैल शनिचर के रात ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुके के कारण इनकर जीव चल गिल रहे। कंपनी के सीओ के द्वारा परिजन के दूरभाष पे एकर सूचना दिया गई। यह बात के सूचना मिलते पूरे इलाका में मातम छा गई। बता दी कि शहीद चंदन कुमार सिंह सेना के पूर्व सूबेदार कमलेश कुमार सिंह के इकलौता पुत्र रहन, जिनकर उम्र अभी मात्र 35 वर्ष रहे। अंतिम बार होली में अपना घरे आए रहन, छुट्टी काट के 4 मार्च के अमृतसर चल गए। परिजन के का पता कि उनकर अंतिम मिलन साबित हुई। शहीद चंदन सिंह और पत्नी शोभा सिंह के 2 गो पुत्र बाड़न। पहल का पुत्र अतुल आज 12 वर्ष के, दूसर का आदित्य राज 10 वर्ष के बाड़न, जिनका कपार से बाप के साया उठ गए। मेहरारू शोभा सिंह के रो रो के बुरा हाल बा। पूरा परिवार देश के सेवा में शहीद चंदन कुमार सिंह के पूरा परिवार ही सेना से जुड़ल बटुए। पिताजी कमलेश कुमार सिंह सिग्नल कोर के सूबेदार पद से रिटायर रहें तो चाचा सुरेश सिंह और उमेश सिंह भी सेना में कार्यरत रहें। सेना के द्वारा हवाई मार्ग से मंगर के पटना एयरपोर्ट पे शहीद के पार्थिव शरीर के सुपुर्द कर दिया गई, जहां दानापुर छावनी के बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद के शव के सलामी दिलाने के बाद एम्बुलेंस के द्वारा ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गाई घाट पहुँचलन। ब्रह्मपुर थाना अध्यक्ष बैजनाथ चौधरी दल बल के साथ गोकुल जलाशय के शमशान घाट पे मौजूद रही और यह शहीद के सलामी दिहल गई। बता दी कि हवाई मार्ग से पार्थिव शरीर आए। शहीद के शव के देखे खातिर हजारों के संख्या में लोग गोकुल जलाशय पहुँचल और अंतिम दर्शन क के शहीद के विदाई दिहल गई। यह अवसर पे चंदन सिंह अमर रहे के नारा से आसमान गूंजत रहल। मुखाग्नि बड़ बेटा 12 साल के अतुल राज दिलन। यह अवसर पे पूरा वातावरण है दृश्य के देख के गमगीन हो गई। शहीद के पिता कमलेश सिंह के एक तरफ इकलौता पुत्र खोवे के गम बा तो दूसरा तरफ कहनाम बा कि दोनों पोता के भी पढ़ा लिखा के सेना में बड़ अफसर बनाई जवन देश के सेवा करिए। माहौल देखला के बाद ऐसा लागत रहे, एक तरफ ऐसा लागत रहे जहाँ यह पत्नी के सब कुछ उजड़ गए, यह बेटन के बाप उजड़ गए, एगो बाप के ओकर बेटा चल गए, पूरा दुनिया वीरान हो गए, लेकिन बाप के गर्व बटुए कि बेटा देश सेवा में समर्पित होके दुनिया से गए। वहाँ के कहता नहीं कि अभी हम हिम्मत नहीं की हारल, अभी हमार नाथ जौन बाड़सन कनी के पढ़ा लिखा के सेना में बड़ अफसर बनाई, ताकि देश सेवा में जौना तरीका से हमार घर परिवार के लोग हमार भाई सब कोई सेना में अपन सेवा देलस, हमार नाथ भी है सेना में सेवा देस। सबसे बड़ा चीज ये है बटुए कि हमनी के देश के सुरक्षा के सारा भार ये सेना के जवान पे ही रहेला। आज एक एक जवान भोजपुरिया समाचार खातिर, भोजपुरिया समाचार के दर्शक लोग खातिर महत्वपूर्ण बाड़े। रउरा सबसे निहोरा बा कि कम से कम खबर देखी या देखला के बाद कमेंट में एक बार जय हिंद के नारा जरूर लगाई, ताकि हमनी के देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। एक बार खबर के दबा के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।